अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह की वो वैधानियत की बात बताऊंगा, अल्लाह ताला के रहन ज़मीनों आसमान में रहें, मैं ही सारे जहानों का मालिक हूँ। इस बात से अल्लाह की राजकुमार हिरानी जैसे लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला चैलेंज कर दिया दूसरे मज़हब गलत है, सिर्फ अल्लाह का दीन हक है करके। कोई भी इस बात को ब्रेक करने नहीं आया, हम ही ज़मीन आसमान के मालिक है कह रहा है अल्लाह ताला। इन अल्लाह अला कुल शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है कह रहा है। क्यों? इस बात से हकीकत खुलती है, लेकिन राजकुमार हिरानी कुरान की स्टडी नहीं करा, आमिर खान स्टडी नहीं करा, और जो है चलो एक बात खुशी हुई मुझे, हिंदुज़म गलत है बल्कि मुझे साबित करना था। मेरी तो आवाज़ नखारे की गूंज में तोते की बोली कौन सुने, मेरी तो छोटे वीडियोस है जो दुनिया में चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कल को हो सकता है मिलियंस में देखे, आज जो है कई 570,000 से ज़्यादा लोग देख लिए, 1,000 के करीब जो है सब्सक्राइब है। लेकिन मैं खुश हूँ इस बात से कि मुझे हिंदुज़म गलत है साबित करना था, राजकुमार हिरानी से वो काम ले लिया अल्लाह ताला। अगर मुसलमान कोई करता तो खून बहा देते हिंदू हिंदुस्तान के अंदर। मुसलमान अगर ये मूवी बनाता और कहता कि हिंदुज़म इस तरह से जिस तरह से मजाक उड़ा राजकुमार हिरानी हिंदुज़म का, अगर ये मुसलमान करता तो हिंदू मुसलमानों के दुश्मन हो जाते। अब ये बात सोचने की है, ज़रा गौर करें। आदमी अल्लाह ने रूह फूंकी जिस्म के अंदर, इस वास्ते इंसान अल्लाह को मानता है, और आज ये 200 करोड़ बना गई 10 दिन के अंदर पी के। और फिर ये बात मालूम हुआ कि मजहब के एतबार से भी लोग जो है फिल्म देख सकते हैं। अब मजहब की हकीकत क्यों नहीं रखना चाहते, तलाश करना क्यों नहीं चाहते? अच्छा अब ये देखो, आदमी यहाँ पर जादू और जो है एक करिश्मा है छोटा सा, जो हर चैनल यानी वर्ल्ड की हर न्यूज़ मिल जा सकती है आपको। पाकिस्तान के अंदर जो है 132 बच्चों को मार दिए, वक्ते वाहिद पूरी दुनिया के अंदर ये खबर फैल गई। अगर हिंदुइज्म बड़ा मशहूर सही हकीकत हक रखता तो पूरी दुनिया में फैलता था। ये बात हिंदू तंग नज़रिए वाले जो सिर्फ बौली के अंदर वेल के अंदर ही जो है उनका घूमना है, वैसे वो दुनिया की हकीकत को आँख खोल के नहीं देखे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, राजकुमार हिरानी ने वो बेइज्जती की हिंदुओं की, लेकिन उसके साथ साथ हमको भी लपेट दिया उसने। अल्लाह ताला कह रहे हैं हम ही जमीन आसमान के मालिक, डिक्लेयर हो गया कोई और खुदा नहीं है दुनिया के अंदर। अब ये बात हम फैलाना है, अल्लाह ताला हमको चैलेंज दे दिया कि जाओ और बताओ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हम ही बुला रहे हैं 5 वक्त फायदे की तरफ, हम ही बता रहे हैं ज़कात और जो है सदका फितरा हदिया दे के इंसान की भलाई का काम करते हैं करके। और सबसे बड़ी बात, भविष्यवाणी जो हिंदुओं के जो झूठे बाबा है वो सब गलत है हिंदुइज्म का, वो अच्छा बताया उसने। और अल्लाह ने कुरान में मना किया इस तरह से हम को यकीन नहीं रखना है मुस्तकबिल का, फ्यूचर का, पालमिस का, एस्ट्रोलॉजर्स का, नजूमी का यकीन नहीं रखना है। यकीन नहीं है, कुरान डिक्लेयर कर दिया था, कुरान पढ़ा ही नहीं राजकुमार हिरानी ना आमिर खान पढ़ा तवज्जे से, करोड़ों बना रही फिल्म। अच्छा फिर उसमें उसने जो है हमारा खुदा इतना तंग नजरिए के नहीं हो सकता, बच्चियां तालीम की जो है उस फिल्म में बोल रही कि हमको तालीम से मना किया जा रहा है, कोई फतवा जारी, कोई फतवा नहीं जारी हुआ इस तरह का। तालिबान एक गलत जमात है, मैं तो कहता हूँ उलमाए दीन उनको इस्लाम से बेदखल कर दें, जिस तरह से खादियानी अहमदी जमात को निकाल दिया गया था, काफिरों में डाल दें इनको, इस वास्ते कि वो छोटे बच्चों को मार रहे हैं हुक्म नहीं है, औरतों को मार रहे हुक्म नहीं है, मुसलमान मुसलमान को मार रहा हुक्म नहीं है, इनकी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मेहनत की इस मजहब के लिए, आज पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एवरी सिंगल सेकंड लिया जा रहा है, सहाबा के नाम पूरी दुनिया में आज भी लिया जा रहा है, अशरा मुबशरा के अलावा ताबईन तब ताबईन का नाम लिया जा रहा है। वली अल्लाह ने 125,000 धूम मचा दी हिंदुस्तान के अंदर करामतें बता के, उसके बावजूद भी हिंदू बहरा बैठा हुआ है। अच्छा अब ये करिश्मा क्या है, ये देखो
एक ही सेकंड में पूरी दुनिया की न्यूज मिल जा रही। आप करिश्मा जादू खोल लो घर में, टीवी HD पे, टीवी पे डाल लो, आपको पूरी न्यूज मिल जाएगी, इंडिया में क्या हो रहा, पाकिस्तान में क्या हो रहा, बांग्लादेश में क्या हो रहा। तो इतनी तेजी से जब इंसान का दिमाग काम कर रहा, अल्लाह ने रूह फूंकने की वजह से आदम के जिस्म के अंदर, तो इंसान अपने से तख्लीक क्या कुछ नहीं कर रहा। लेकिन एक मुसलमान ये नहीं बताया कि कश्मीर क्यों मांग रहे हैं, हिंदू ये समझ नहीं पाया, जबकि हिंदू का मजहब रॉन्ग है और वो भी जो है आदम की औलाद, ये भी आदम की औलाद है, लेकिन कश्मीर क्यों मांग रहे, फलस्तीन क्यों मांग रहे, क्या इनके पास खुदा है तो आके कोई फैसले करा, नहीं करा, हम ही कर लेना है, हम ही ने ईजाद कर लिया दूसरे मजहब, क्योंकि अल्लाह नजर नहीं आता, कह दिया अल्लाह ताला मैं नजर नहीं आता, मैं हमेशा से हूं, मैं तना हूं। इससे बड़ी निशानी हिंदुइज्म के लिए चप्पल मारने वाली बात। और फिल्म के अंदर मुझे जो बात भाई नहीं, वो है राजकुमार हिरानी ये नहीं मालूम कर सका कि दुनिया के अंदर 50,000 मजहब आए और 50,000 में से कई जो है मजहब फना हो गए, कई मजहब जो है रूपोश हो गए, कई मजहब जो है तारीख वक्त के साथ ख़त्म हो गई। राजकुमार हिरानी को ये नहीं मालूम 7,000 लैंग्वेजेस ज़मीन पर आए, जबानें बोलनी जो थी वो गुमराह हो गई, गुमनाम हो गई, जैसे आज उर्दू के साथ नाइंसाफी हो रही, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जिंदा है, लेकिन इंडिया के अंदर वो उसको जो है ख़त्म कर देना चाह रहे। तो इस तरह से ज़माने भी गई गुजरी हो गई, सिर्फ 3,000 ज़बानें बोली जा रही, लेकिन मजहब की हकीकत जो राजकुमार रखना चाहता है वो दुनिया के अंदर हज़ारों मजहब है, उसको ये बात समझ में नहीं। अच्छा, इंसान का मकसद है अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह ने कहा कि मैंने इंसान बनी आदम को बनाया सिर्फ मेरी इबादत के, जिनो इंसको यह पॉइंट दिया ही नहीं। और फिर जहन्नुम और जन्नत, जन्नत की प्रैक्टिस के लिए इंसान है, नेकी करना है, बदी से बचना है, यह इंसान की एक सिस्टम जाब्ता है जो उसकी प्रैक्टिकली लाइफ से उसको हियर और हियर आफ्टर मिलेगी लाइफ। राजकुमार हिरानी ऐसी चीजें बता नहीं सकते। राजकुमार हिरानी ने एक ऐसी बात रखी जो नामुकम्मल है और वो सिर्फ पैसा बना सकता है। मुसलमान सोचे इस बात को कि साहबा ने कितनी मेहनत की इस्लाम को, आज ये बदनाम कर रहे टेररिस्ट बोल के, पूरी यूरोप में, पूरे इंडिया की साउथ फिल्मों में मुसलमान बुरा है बुरे, और मुसलमान का नहीं हक है, 24 घंटे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हम चैलेंज कर रहे और मुसलमान ही तारीफ कर रहा, आओ फायदे की तरफ बुला रहा दूसरे इंसानों को, भलाई की बात कर रहा मुसलमान ही, और मुसलमान ही जो है आज इनको कुरान नहीं पढ़ के बता रहा। कश्मीर हम क्यों मांग रहे, ये हिंदू क्यों नहीं समझ सकता, क्यों उसके पास खुदा नहीं है हिंदू के पास, क्यों उसका खुदा होता तो जो सामने आता कि नहीं आता, नहीं समझ सकता, क्योंकि गॉड नजर नहीं आने वाली चीज है अल्लाह। अब तुम कितने भी मजहब बना लो दुनिया में, मैं जिन पॉइंटों पे राजकुमार हिरानी की बताना चाह रहा हूं, उसने बगैर स्टडी करे फिल्म बनाया, वो देख लिया यहां की 1994 की ऑस्कर अवार्ड मूवी, ग्रामी कुछ नाम थी वो, टॉम हैंक्स की पता नहीं, वो देख के उसकी जो है, और एलियंस जो कहते हैं उसमें इंसान किसी भी प्लानट में नहीं है, कुरान वाजे कर दिया आदम को अल्लाह ने बनाया और ज़मीन पे फेंक दिया, और आदम से औलाद बढ़ी उसकी पूरी दुनिया के अंदर आज मौजूद है, एक ही इंसान से, एक ही फसली से, हवा और आदम की, और ज़मीन पे यही है, दूसरी मखलूकात ऊपर है अल्लाह ताला बताया, उसको स्टडी नहीं आती, उसको पता नहीं। अल्लाह ताला काम लेना चाहता है इंसान से, अगर जो है वाक़े होने कुरान को पढ़े तो उसको पता चले, आमिर खान हो या राजू हिरानी, भविष्य भविष्यवाणी अल्लाह ने कुरान में मना कर दिया, अल्लाह ने किसी को ख़त्म नहीं करना करके बोला तालिबान की वजह से हम बदनाम हो गए, और हम इस तरह से कोई फतवा नहीं दिया जो उन्हें हमको बताना चाह रहा, और उन्हें बुरख़े की अजमत को नहीं मालूम, बुरख़ा हो तो गंदी औरतें नहीं देख, गंदी जहन का इंसान नहीं देखता बुरख़े वाली, और रेप से बच सकते, आज देखो कई रेप हो रहे, क्रिसमस के दिन भी अमेरिका में रेप हुआ, दिल्ली में कई रेप हो रहे हैं, बुरख़े से हिफाजत है, बुरी निगाहों से हिफाजत है, अपने आप को जो है बचाने की अल्लाह ताला की मदद है, और उन्हें 5 वक्त की नमाज बताया कि हिमाकत से मुसलमान पढ़े जैसा, जबकि अल्लाह ताला 5 वक्त की नमाज में रोज़ी रखा,
पांच वक्त की नमाज से इंसान के अंदर की बुराइयां निकल जाती, गुनाहों से बचना चाहता है। उस फिल्म के ऊपर मैं बेशुमार बातें कर सकता हूँ, खाली हमारे इस्लाम के लिए, वो जो उसका हिंदू होने की वजह से उन्हें बना लिया। अगर यही कोई मुसलमान इम्तियाज अली या कबीर खान बनाता, आज खून रेजी हो जाती हिंदुस्तान के अंदर, मुसलमान ऐसा कैसा बोल दिया हमको बोलते थे। लेकिन हकीकत सामने, उन खुद खोल ली। मंदिरों की कोई हकीकत नहीं है, राम मंदिर की कोई हकीकत नहीं है, सोमनाथ की मंदिर की हकीकत नहीं है, वो खुद खोल ली अपनी ज़िंदगी, और वो वहीं महदूद है और कहीं और नहीं है। लोग देखो, हमारे सहाबा निकलने के बाद में सारी दुनिया में इस्लाम फैला, जाके नहीं देखते। अच्छा, फिर 50,000 मजहब क्यों बने, जाके नहीं देखते। 7,000 ज़बानें थी, फिर ज़बानें ख़त्म क्यों हो गई, वो नहीं देखते। इंसान के अंदर अब चनी मजहब रह गए, और फिर कुरान क्या कहता है, अल्लाह के सिवा कोई, हम ही ज़मीन आसमान के मालिक हैं, और तुमको हमारी तरफ लौट के जाना है, आना है। पूरा चैलेंज कर दिया अल्लाह ताला। मगर हिंदू को यह बात समझ में आ सकती है? खुदा नजर नहीं आने की वजह से जो है हजारों मजहब बने, खुदा नजर नहीं आने से दुनिया में जो है, जो खुदा को नहीं मानने वाले इंसान है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह।